और बड़ी खबर एक और आपको बताएं, आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक अहम बैठक और दुनिया भर में फजीहत के बीच अमेरिका के संभावित नतीजों पर, अमेरिका में जो चुनाव हो रहे हैं उनके संभावित नतीजों पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में। 26 से 29 अक्टूबर तक चलेगी सीपीसी की ये बैठक। तो ये बैठक काफी अहम है क्योंकि दुनिया के कई देशों से इस वक्त दुश्मनी मोल ले ली है चीन ने और दुनिया भर की इस नजर पर बैठक पर नजर है। तो नवाज शरीफ का करगिल युद्ध पर बड़ा खुलासा, कहा करगिल वॉर से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला, पूरी दुनिया में हुई बदनामी, क्वेटा में पीडीएम की तीसरी रैली में भरी हुंकार। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तत्कालीन आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ पर बोला सीधा हमला, कहा करगिल युद्ध का फैसला फौज का नहीं बल्कि चंद जनरलों का था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा पर जमकर बरसे नवाज शरीफ, जनादेश की चोरी का लगाया आरोप, पाकिस्तान की जनता को हिसाब देने को कहा। नवाज शरीफ ने कहा बाजवा ने देश के संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाई, इमरान नियाजी को आवामी मैंडेट के खिलाफ बनाया प्रधानमंत्री, देश को महंगाई और गुर्बत में धकेलने का भी हिसाब देना है। यूपी के हाथरस में पीड़ित के गांव एक बार फिर से पहुंची है सीबीआई की टीम, पीड़िता के पिता और भाई से पूछताछ की गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।